वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तानमिरर.com पर। चलते हैं आज के अगले टॉपिक की तरफ। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में करीब एक महीने से ज्यादा समय से सड़क को जाम कर किए जा रहे प्रदर्शन की रिपोर्टिंग करने पहुंचे एक चैनल के पत्रकार दीपक चौरसिया और उनके कैमरामैन को कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने कैमरा को छीन कर उसे भी तोड़ दिया। जख्मी हालत में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें कैमरामैन की हालत अभी भी काफी गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी को पत्रकार ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो के साथ शेयर किया और लिखा कि हम वहां के लोगों की आवाज देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए गए थे तो हम वहां के लोगों के द्वारा पीट दिए गए। उन्होंने इसके बाद पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। दक्षिण पूर्व जिला DCP चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि उन्हें इस घटना की शिकायत मिली है। हम हमले की जांच अभी भी कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान कर हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। घटना शुक्रवार दोपहर की है। एक निजी चैनल में पत्रकार दीपक चौरसिया अपने कैमरामैन के साथ शाहीन बाग स्थित प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे। जब उन्होंने रिपोर्टिंग शुरू की तो कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें अभद्र गालियां देने लगे, फिर उनके साथ बदसलूकी की। और उनके कैमरामैन ने जब घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उन लोगों ने कैमरामैन पर भी हमला कर दिया और कैमरा तोड़ दिया, फिर उन दोनों को बेरहमी से पीट दिया। पत्रकारों ने कहा कि इन लोगों द्वारा सड़क जाम किए जा रहे प्रदर्शन से आम लोगों को हो रही परेशानी को दिखाने व उनसे सवाल करने को लेकर प्रदर्शनकारी नाराज हो गए। उनका आरोप था कि उनके प्रदर्शन को प्रमुखता दिए जाने के बजाय इससे आम लोगों को हो रही परेशानी को प्रमुखता दी जा रही है। बहरहाल लोगों की मदद से किसी तरह से पत्रकार व कैमरामैन को इन लोगों के चुंगल से छुड़ाया गया। देर रात पीड़ित पत्रकार ने इस संबंध में शिकायत दी है कि जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक अन्य ट्वीट में उनका यह भी कहना है कि शाहीन बाग किसी के बाप का नहीं है। एक पत्रकार के साथ ऐसी गुंडागर्दी करके प्रदर्शनकारियों ने बता दिया कि वो कितने असहनशील हैं और अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ उनके लिए है। पूरे देश को इस घटना का विरोध करना चाहिए। बता दें कि पिछले दिनों इस कानून के विरोध में JNU में गुस्साए छात्रों ने भी मीडिया पर हमला कर दिया था। छात्रों के हमले में कई मीडिया कर्मी घायल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मीडिया कर्मियों के कैमरे को भी तोड़ दिया था। इसके अलावा हाल ही में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कैंपस में भी प्रदर्शन को कवर करने पहुंची रिपब्लिक टीवी की टीम पर प्रदर्शनकारियों की उग्र भीड़ ने हमला कर दिया था और 7 रिपोर्टर्स के साथ धक्का मुक्की की थी। इतना ही नहीं, हमलावरों ने रिपब्लिक टीवी की टीम का कैमरा छीनने और जबरदस्ती फुटेज डिलीट करने की भी कोशिश की थी। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस पूरी घटना के बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी सारी हाईलाइट आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।